पिछले वीडियो सेशन में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, साथ ही साथ उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू को वैक्यूम के लिए जाना। अब हम जानेंगे कि के की वैल्यू किसी दूसरे मीडियम में क्या होगी। दूसरे मीडियम का मतलब है वैक्यूम और एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं कि एक नया टर्म आया था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का। तो उसी पैरामीटर के बेसिस पे किसी दूसरे मीडियम के लिए हम के की नई वाली वैल्यू को डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ के हो जाएगा किसी भी मीडियम के लिए अदर देन वैक्यूम या एयर, वो हो जाएगा 9×10⁹ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब हमने यहां कुछ नया नहीं किया, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किसी दूसरे मीडियम में जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होगी उसमें जैसे ही हम चार्जेस को प्लेस करेंगे फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाता है। मतलब जो भी फोर्स का वैल्यू होता है वैक्यूम या एयर में उसको हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर मीडियम में मिल जाता है। तो यही काम हमने यहां किया है, के की जो वैल्यू वैक्यूम के लिए है या एयर के लिए है उसको हमने सिर्फ एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दिया है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब चीज सेम रहेगा, क्लियर है ये बात। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल फॉर्म में था वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, तो बस के की वैल्यू नई वाली प्लेस कर देनी है ना। तो या तो 9×10⁹ रखें ये वाली, या फिर ये वाली रख दें 1/4 epsilon naught × epsilon r रख दें, ठीक है, क्लियर है। तो मॉडिफाई करने में हमको सिर्फ k की नई वाली वैल्यू प्लेस करनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब हम वैक्यूम के लिए भी और मीडियम के लिए भी कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q1 है और Q2 है 10-10 कूलम्ब का। क्योंकि यहां पोलैरिटी मेंशन नहीं की है इसलिए हम मान लेंगे कि पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। तो हमको बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो जब मीडियम, पहला कंडीशन दिया है एयर या वैक्यूम हो, और दूसरा कंडीशन बोला है कि जब मीडियम कोई लिक्विड है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है 30, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस केस में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि मीडियम एयर या वैक्यूम था इसलिए के की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 9×10⁹ वाली यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसमें फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखना पड़ेगा और फिर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 9×10⁹ जब हम k की वैल्यू यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू रख दी हमने, अब क्या पुट करना है, Q1×Q2 करना है। तो Q1 भी 10, Q2 भी 10। अगर यहां पोलैरिटी माइनस दी रहती तो भी हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते, ठीक है, पोलैरिटी मेंशन नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। पोलैरिटी का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करेंगे, पोलैरिटी का इस्तेमाल हम करेंगे नेचर ऑफ फोर्स डिफाइन करने में, ठीक है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ध्यान रखना है पोलैरिटी को मेंशन नहीं करना है, पोलैरिटी से हम सिर्फ नेचर ऑफ फोर्स डिफाइन करेंगे। तो यहां भी हमने बिना पोलैरिटी मेंशन किए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया चार्जेस का, दोनों चार्जेस 10 और 10 है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो गया तो वैल्यू क्या मिली, 9×10⁹, और ये 10×10, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9×, ये 9 है ये 2 है,
मिलके हो जाएंगे 11, तो 9 × 10^11 न्यूटन। और अभी मैंने बोला कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज का इस्तेमाल किसमें होगा, फोर्स का नेचर बताने में होगा, तो हम यहाँ कॉमा देकर नेचर ऑफ फोर्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सेम चार्जेस हैं, तो फोर्स रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देगा, ये नेचर ऑफ फोर्स डिफाइन कर देगा, क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लिक्विड में क्या होगा फोर्स, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 30 है, तो हमको क्या करना है, के की वैल्यू में बस एप्सिलॉन आर नीचे लगा देना है ना। तो यहां फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए के की वैल्यू में नीचे एप्सिलॉन आर लगा देना है, एप्सिलॉन आर यहां कितना दिया है, 30 दिया है, तो नीचे 30 लगा दिया और बाकी चीजें सेम होंगी, Q1 × Q2, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 9 × 10^9 ये दोनों हो गए 10 का स्क्वायर, नीचे में है 30 है ना, तो इस 30 से एक ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, इस 3 से ये 9 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो गया 3 × कितना 9 है और 1 है, तो हो गया 10^10 न्यूटन। और नेचर ऑफ फोर्स यहां भी क्या होगा, रिपल्सिव ही होगा, है ना। तो देखिए आप इन दोनों वैल्यू को मिला लीजिए, जो रिलेटिव परमिटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस वैल्यू का 30 गुना कम होना चाहिए था ये वैल्यू, है ना। तो चेक कर लीजिए इसको, 30 गुना कम मतलब 1/30 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 10^11 को, तो 10 से ये 11 में से घट जाएगा तो बचेगा 10, ये नीचे बचा 3, 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो फिर से आंसर क्या मिलेगा हमको, 3 मिला और 10^10 मिला, तो देखिए वही बात हुई। तो या तो हम कैलकुलेशन करके इस बात को समझें, या मन में बिठा लें, याद कर लें कि जो भी परमिटिविटी दिया होगा उतने टाइम्स घट जाएगा फोर्स, है ना। तो यहां 30 दिया हुआ था तो हमने वैक्यूम वाले फोर्स को 30 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, जो आंसर मिला हमको वही आंसर हमको न्यूमेरिकली प्रोसेस करने पे भी मिलता, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसलिए क्योंकि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है, फोर्स के लिए है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और चूंकि अभी आपने न्यूमेरिकल में देखा कि हमने नेचर ऑफ फोर्स भी डिफाइन किया, है ना, मींस हमने मैग्नीट्यूड भी डिफाइन किया उसका और नेचर ऑफ फोर्स भी डिफाइन किया उसका, ठीक है, मींस हमको कूलम्ब्स लॉ को इसलिए भी वेक्टर फॉर्म में मॉडिफाई करना ही चाहिए ताकि हम मैग्नीट्यूड भी बता सके और डायरेक्शन भी बता सके फोर्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो ये फिगर समझ लीजिए, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 पोजीशन वेक्टर के साथ Q1 रखा हुआ है और R2 पोजीशन वेक्टर के साथ Q2 रखा हुआ है, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसे पता चलेगा, या तो R12 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या R21 पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। और एक बात तो क्लियर है कि Q1 से Q2 का डिस्टेंस हो या Q2 से Q1 का डिस्टेंस हो, वैल्यू तो सेम रहेगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर हो या मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर हो, दोनों सेम होंगे। लेकिन डायग्राम में ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स का आपस में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना।
तो 11th की चीज अगर आप रिकॉल करें तो गिवन पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में जब हम R12 या R21 वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? R12 हो जाएगा, R12 मतलब पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टू 2, 1 टू 2, ठीक। वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1, ये चीज ठीक। सिमिलरली R21 पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 टू 1, 2 टू 1, वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R1 माइनस R2, ठीक है। तो देखिए इसको, जो ये इनका डायरेक्शन अपोजिट है मगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरीके से कि R12 वेक्टर इज इक्वल बट अपोजिट टू R21 वेक्टर, या फिर R21 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू R12 वेक्टर। अब चूंकि ये वेक्टर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो स्वाभाविक है कि इनका जो यूनिट वेक्टर होंगे वो भी आपस में अपोजिट नेचर के होंगे। मैग्नीट्यूड तो चूंकि यूनिट वेक्टर्स है इसलिए 1 ही होगा, बराबर ही होगा, बट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स का क्या होगा? अपोजिट है ना? तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसीलिए इस कैलकुलेशन को मैंने अलग से करके बताया है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि दोनों चार्ज जो हैं वो एक सेम पोलैरिटी के हैं, तो क्या होगा फोर्स का नेचर? रिपल्सिव होगा, है ना? तो देखिए Q1 जो Q2 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? इस तरफ। तो ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? जो R12 वेक्टर का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो ये हमको फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? Q1 पे फोर्स देखते हैं। तो Q2 जो है वो Q1 पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसका डायरेक्शन क्या है? R21 वेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? R21 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको ये फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो अब हम इन रिलेशन को यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए, चूंकि R21 यूनिट वेक्टर था वो किसके बराबर है? माइनस ऑफ R12 के बराबर है, है ना? तो इसलिए हम जो ये F12 वेक्टर है ये किसके बराबर था? F12 के, और R21 कैप के। इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो F12 और R21 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस में R12 कैप, मतलब माइनस ऑफ, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, F12 इंटू R12 कैप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसका भी वैल्यू अगर पुट करें तो F21 को क्या लिख सकते हैं? के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस तो चूंकि सेम होगा इसलिए R² से ही लिखते हैं, क्योंकि चूंकि R21 वेक्टर या R12 वेक्टर एक दूसरे के क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर हो या मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर हो, इसको हम कॉमनली R से रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, इसलिए हमने यहां सिर्फ R² लिख दिया। और डायरेक्शन असाइन करना था तो R12 का क्या, यहां भी देखिए वैल्यू पुट करके, तो माइनस में के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और R12 का कैप, ठीक। तो देखिए क्या सेम मिल रहा है, ये जो क्वांटिटी हमको यहां मिली
वही क्वांटिटी यहां भी है ना। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर है। तो माइनस में इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, F21 वेक्टर लिख देंगे, है ना। ये वैल्यू ओवरऑल किसकी थी, F12 वेक्टर की थी। तो हमको फोर्सेस के बीच में ये रिलेशन मिल गया। इसको हम पलट के ऐसा भी लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ये भी लिखा जा सकता है। तो यही जो रिलेशन हमको फोर्सेस का मिला वेक्टर फॉर्म में, इसे ही हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो एक्सप्रेशन देख के ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या बताता है। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये बताता है कि दोनों चार्जेस जो आपस में फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन उनका जो आपस में डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो वो चीज डायग्राम में भी दिख रही है, वो चीज हमको प्रैक्टिकली भी दिखती है, और वही चीज अब हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दिखा दिया। ये डिराइव हो गया अपने आप, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। अगर आपके पास एस सी वर्मा बुक है तो 11th क्लास की, तो उसका जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो वहां पर आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। मीन्स फिजिक्स इज अ फीलिंग एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज यूजिंग विच वी एक्सप्रेस दीज फीलिंग्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमको चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन दिख रहा है, चार्जेस के बीच में फोर्स का जो नेचर, फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में या फोर्स के डायरेक्शन के बारे में जो हमको दिखता है, उसी फीलिंग को हम मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि भले ही आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जरूरी है। बेसिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ते फिजिक्स में। लेकिन समस्या है कि फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं हो सकता, तो हमें मैथ्स के बेसिक टर्म्स जानने जरूरी है ताकि हम फिजिक्स को मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि अभी मैंने कहा कि फिजिक्स की भाषा है मैथ्स, ठीक है। तो बेसिक्स का मतलब यही है कि आपको इस तरह की चीजें जो है, जो मैथ्स में एक्चुअली वेक्टर्स पढ़ने होते हैं, वेक्टर एनालिसिस है पूरा डिटेल से, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, अगर आप बायो के भी स्टूडेंट हैं तो भी, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं के की मॉडिफाइड वैल्यू के लिए किसी मीडियम में, और फिर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, वो सभी को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179799001 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।